मेरे प्यारे बच्चों एंड गुड इवनिंग। और कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोग यहाँ पर आज बात करते हैं, हम लोगों ने जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ही था हमारा, और हमने स्टार्ट किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। अब यहाँ पर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इट मीन्स एसिड और जो बेस है यानी कि अम्ल और जो क्षार है, ये दोनों अगर किसी ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, मतलब ऑक्सीजन से। अगर किसी मेटल से, किसी धातु से रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे। तो चलिए देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज से, पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी एसिड के बारे में। तो याद रखिएगा, अगर स्रोत के अनुसार देखा जाए, मतलब कि सोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब सोर्स का भी मतलब समझ रहे हो कि कहाँ से पाए जाते हैं एसिड, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर जो एसिड्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स को बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स, ठीक है। आप सुनो, अगर हम इसमें बात करें, ऑर्गेनिक जो अम्ल होते हैं या ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं, वो ऐसे एसिड होते हैं जो किसी प्लांट से या किसी एनिमल्स के थ्रू हमें मिलती है, ठीक है भाई। ऑर्गेनिक का मतलब ही यही। तो ऐसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर हम वेनेगर की बात करें तो आपको पता है वेनेगर जो होता है, उसमें क्या होता है, उसको सिरका बोलते हैं। और सिरका आपको पता है चीजों को सड़ा के बनाया जाता है, फलों को सड़ाया जाता है कुछ टाइम के लिए, उसको सड़ाया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसमें एक बैक्टीरिया एक्ट करता है जिसका नाम होता है माइकोडर्मा एसिटी। वो क्या करता है, इस एसिड को बनाता है जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसे देखो, जितना अब पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट है, जितने फॉर्मूले बता रहे सारे इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में एकदम बैठा लो, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया लास्ट का मतलब केमिस्ट्री का जो लास्ट है, जिसका नाम है कार्बनेट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, उसको समझने के लिए यहाँ पे आप जितनी भी बेटा चीजें बता रहे हो उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जो सिरका होता है, जो वेनेगर होता है, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। हिंदी में भी एसिटिक एसिड ही लिखते हैं, उसको हिंदी में एसिटिक एसिड ही बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, या CH3COOH, ऐसे बोलते हैं, डबल ओ नहीं लगाते, मुझे डबल ओ नहीं पसंद है, CH3COOH बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होता है, याद रखना टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक में टर्मरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये जो टर्मरिक एसिड होता है, ये भी एक क्या है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जितनी भी खट्टी चीज होती है आपको पता है उसमें सिट्रेट यानी कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और जो सिट्रिक एसिड भी होता है, सिट्रिक एसिड को सिट्रिक एसिड हिंदी में बोलते हैं। तो याद रखना, फॉर्मूले और जो नाम होते हैं वो हिंदी इंग्लिश में सेम होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो भी खट्टी चीज में पाए जाते, तो ये सब क्या है, या तो ये एनिमल से पाए जाते हैं या तो प्लांट से पाई जाती, तो ये सब एक तरह से ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मिनरल एसिड की, यहाँ पे बात कर ले रही हूँ, अगर मैं बात करूंगी मिनरल एसिड की, तो बच्चे याद रखना, मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं जो मिनरल से पाए जाते हैं, जो अलग अलग खनिजों से पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की, तो आपको देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग मिनरल्स यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है आपका, तो यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजन जो पाई गई है, ये सब क्या है, मिनरल्स के थ्रू पाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं आप? और सबसे बड़ी बात है, जो मिनरल एसिड होता है, ये ऐसा नहीं है कि नाइट्रिक एसिड कहीं उबल के आ रहा है नीचे से, धरती से, और निकल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, इनको लैबोरेटरी में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि अलग अलग जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, लैबोरेटरी में बनाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, और दूसरी चीज, हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, कॉन्सेप्ट है, HNO3 हमारा मिनरल एसिड है, H2SO4 जानते हैं, देखो ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसके अलावा हमारा होता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये तीन एसिड बेटा मिनरल में याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ये तीन एसिड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट।
तीन इसके और एक चौथा ये चार इसके एसिड्स के नाम जो है जबान पे एकदम रटे होने चाहिए, फॉर्मूला एकदम मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला एसिटिक एसिड सीधे बोलो CH3COH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सीधे बोलो, ठीक है। बहुत अब काम आने वाला है, कहते ना कि अब असली केमिस्ट्री में आ रहे हो तो धीरे धीरे बेटा असली केमिस्ट्री में ही आ रहे हो, ठीक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो केमिस्ट्री का एक पोर्शन था सिर्फ, जो कहते हैं ना डीप केमिस्ट्री में हम आ रहे हैं, ऑर्गेनिक में धीरे धीरे जैसे ही आएंगे तो ये डिफिकल्ट लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, और ये करते ही मत सोचना कि बोर्ड के टाइम में इकट्ठा पढ़ लोगे, इकट्ठा पढ़ लोगे तो कुछ आएगा नहीं दिमाग में, कॉपी में सब बाउंस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं, या पहले बात करें जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होता है, आपको पता है वो प्लांट या एनिमल से मतलब मिलता है, ये हम जितना भी खा लेंगे हमको नुकसान नहीं करता, ठीक है। सिरका खाते में नुकसान, अब वो बात अलग है पेट में एसिडिटी वो चीज अलग है, लेकिन नुकसान नहीं करता। लेकिन इनकी अगर बात करें तो भाई इनको तो छूना भी खतरे से खाली नहीं है, ये बर्न कर देते हैं आपको, जला देते हैं, ये नुकसान करते हैं, ये हमको किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं होते। बट जितने भी मिनरल एसिड होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, आपको पता है ये एसिड्स क्या करते हैं लोग तेजाब मतलब इसका मिस यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर मैं बात करूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे थे हम भी भूल गए, ठीक है, क्या था भूल गए, पता नहीं कुछ बताना चाहते, बिल्कुल दिमाग में था, दिमाग से बाउंस हो गया। चलो अच्छा एक चीज बता रहे, मिनरल एसिड में बेटा याद रखना, इसको नोट कर लिया, बस स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रफ कर दे थोड़ा, ये भर भी गया है बहुत ज्यादा, याद रखना मिनरल एसिड में एक एसिड ऐसा है जो कि हार्मफुल नहीं होता, जिसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड, इसका भी नाम याद रखो तो अच्छा है, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड्स, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये हार्मफुल नहीं होता, ठीक है, हार्मफुल नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखना, और याद रखना अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, HCl की बात करें, HNO3 की बात करें, तो ये तीन एसिड मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बात बताई थी, ये तीन एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों एसिड जो होते हैं वो आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में, किसमें आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है। और अगर मैं सिट्रिक एसिड की बात करूं, या एसिटिक एसिड की बात करूं, या फिर मैं कार्बोनिक एसिड की बात करूं, तो ये तीनों होते हैं वीक एसिड में। मेरी बात याद रहेगी, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी पता चलेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मालूम चलेगा। कुछ खास नहीं है, बस इसको समझना है अभी के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, वो सब अभी बाद बताएंगे। बात में समझ में आ गई कि नाइट्रिक एसिड HNO3 HCl H2SO4, ये चार तीनों जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड मतलब कि CH3COH H2CO3, इसके अलावा सिट्रिक एसिड, ये जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है, वीक बिहेवियर होता है उनका एसिड वाला, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गई, अब चलो आगे की बात करते हैं। अब खुद ही सोचो, वीक है तभी तो ये हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, हमें बहुत सही रहता है हमारे लिए। चलो अब हम फाइनली अब अपने मुद्दे पे आते हैं, जो कि क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। और क्या चल रहा है तुम लोग तो बिल्कुल, कुछ बताओ क्या चल रहा है भाई, अच्छी लग रही है क्लास ऐसे करने में, मजा आ रहा है, ऑनलाइन देखो ये बताएं, सोच रहे तुम लोग से संडे को मिले ऑनलाइन, पढ़ाए पढ़ेंगे नहीं इसमें कुछ, थोड़ी सी बातें होगी, थोड़ा बहुत पढ़ा भी देंगे, अगर कुछ पूछोगे तो बिल्कुल पढ़ा देंगे, बाकी थोड़ा सा सोच रहे बातें करते हैं, है ना, बहुत दिन हो गया तुम लोग से देखा भी नहीं तुम लोगों को, तो देखते हैं क्या होता है, बता देंगे, मिल ही लेंगे तुम लोग से ऑनलाइन जूम पर, ठीक है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगी कि एसिड और बेस जो होते हैं ये दोनों अगर किसी भी मेटल्स यानी कि किसी भी धातु से अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या देते हैं, सिंपल सी बात है, और इसका एक्सपेरिमेंट भी कुछ कुछ देखा है तुम लोगों ने, क्या है दिखाते हैं। देखो यहाँ हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ो तो आप पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, देन उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है।
चलो तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है या फर्स्ट तरीका है रिएक्शन ऑफ, पहले एसिड की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ठीक है, हम मेनली हम सारे स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे क्योंकि वही मेन है, उन्हीं को दिखाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे अब देखो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अ लार्ज नंबर ऑफ, ज्यादातर जो मेटल्स होती हैं धातुएं होती हैं, अगर कुछ को छोड़ दें, नॉट सो ऑल, मतलब अगर सबकी बात करें तो सारी नहीं धातुएं जो होती हैं मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करके मतलब एसिड से रिएक्ट करती है, लेकिन ज्यादातर जो होती हैं, सभी नहीं, ज्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो एसिड से मतलब करती हैं रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्ट अलग आता है, तो याद रखना। लेकिन ज्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्शन कर कर एसिड के साथ बनाती हैं क्या, सुनना। जब भी कोई मेटल, इसको डेफिनेशन में अपने हिसाब से लिख लेना, व्हेन एनी मेटल रिएक्टिंग विद एन एनी एसिड देन इट गिव्स मेटल, मेटल का क्या देगा बताओ, जल्दी बताओ, मेटल का सॉल्ट देगा, या ऐसे लिख दो सीधे, सॉल्ट प्लस क्या देगा हाइड्रोजन, सॉल्ट 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 और क्या देगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन मार्क का चेंज कर दो, रुक जाओ, क्या देगा हाइड्रोजन गैस। तो फॉर एग्जांपल कोई मेटल एमएल को मार्क का चेंज कर दे, बहुत एक ही जैसा लिख रहा है ना, कोई मेटल है एम और इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड से हुई, और आपने देखा है सारे एसिड प्रोटोनिक एसिड थे। अब प्रोटोनिक एसिड क्या होता है इसको भी समझ लो, प्रोटोनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो H प्लस देते हैं, भाई प्रोटॉन का मतलब ही सिखाया ना, प्रोटॉन का मतलब क्या है H प्लस या प्लस वाला H प्लस, तो यहाँ पर क्या अगर मैंने HCl लिया था तो ये भी H प्लस दे रहा है, भाई H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, सब तो सीखे हो, मैंने बताया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, HNO3 की, तो आपको पता है HB प्लस में ही टूटेगा और NO3 माइनस में टूटेगा, पता है ना। इसके अलावा H2SO4 की बात करेंगे तो ये भी ऐसे ही टूटता है, H प्लस और प्लस HSO4 माइनस, ऐसे टूटता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक तरह से हमें प्रोटॉन दे रहे हैं और इसी वजह से इनको बोलते हैं प्रोटोनिक अम्ल या फिर प्रोटोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोटोनिक एसिड है। तो जितने भी प्रोटोनिक एसिड्स होते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद द मेटल देन इट गिव्स सॉल्ट एज वेल एज हाइड्रोजन गैस। ओके, हिंदी में बोलते हैं आधे बच्चे कहेंगे ना, जब कोई धातु किसी भी प्रोटोनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो लवण देती है, सॉल्ट का मतलब लवण देती है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देती है। ठीक है, चलो अब मेटल के लिए मैंने एम लिख दिया, एसिड के लिए हम लिखेंगे प्रोटोनिक, मैंने बोला तो एच तो रहेगा भैया, समझ में आ रहा, और जो उसके साथ बाकी चीजें थी जैसे एच सी एल था, एच एच टू एसओ फोर था, एसओ फोर सी एल NO3, ये सब क्या करेंगे, इनको हम X लिख देंगे। ठीक है, प्रोटॉन और मैच दिखा रहे, बाकी चीजों को X लिख देंगे। आरो बनाया, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना क्या होगा, ये पता है ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सारी धातुएं जो होती हैं वो धनात्मक होती है, तो इसका मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, बहुत ध्यान से देखो। और ये आपको पता है भाई ये किस पर टूटता है, एच प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा, अभी तोड़ के दिखाया अभी था, तो तुम खुद सोचो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस वाला किसके साथ चला जाएगा, माइनस वाले के साथ, इतना तो सब तो सिखाया है मैंने तुम लोगों को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा एम एक्स प्लस एच निकलेगा। अब आपको पता है एच प्लस भी क्या कहेगा, भाई हम अकेले क्यों प्लस में रहे, चार्ज में हमको भी स्टेबल करो, तो कुछ नहीं वो हम बैलेंस ही कर लेंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे, वो सब तो बात की बात है, यहाँ पे एच टू गैस निकल जाएगी, वो हम अभी बताएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, चलो तो अब इसको रफ करने जा रहे हैं, इसको तुम अभी जिसने मतलब नोट कर लेना, ये मेन चीज ये है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना सारे मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन कौन कौन से मेटल रिएक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल में, तो याद रखना हम सोडियम ले सकते हैं, हम पोटेशियम ले सकते हैं, हम कैल्शियम भी ले सकते हैं, हम मैग्नीशियम ले सकते हैं, हम एल्युमिनियम ले सकते हैं, हम इसके साथ ही साथ जिंक भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो तो बात की बात है। ठीक है, जो नहीं कर सकते उनको बताएंगे। चलो तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया सोडियम, हमने लिया Na, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब HCl से। ठीक है, HCl से करा दी,
अब यहाँ पे क्या होगा, इसको तोड़ते हो, तोड़ के तुम लोग को सिखाता है कैसे करना। सोडियम है, सोडियम पे ये टूटेगा एन ए प्लस में, ठीक, और ये एच प्लस में, और ये सी एल माइनस में टूटेगा। भाई वो है सोडियम ग्रुप तो जाएगा ही ना प्लस में ही होगा, जब अपने आयन के फॉर्म में होगा। ये क्या निकाल देगा, एन ए सी एल सॉल्ट, सॉल्ट नमक, टाटा नमक, एन ए सी एल, ठीक क्या है एन ए सी एल सॉल्ट, देखो दिया ना प्रूव हो गई बात। इसने क्या दिया, इसने इसने लवण दिया, हाइड्रोजन दिया, अम्ल और क्या है धातु है। तो इसके साथ अब क्या निकला, एच प्लस। अब एच प्लस क्या करेगा, एच टू गैस निकालेगा। कैसे, यहाँ पे हम दो लगा देंगे, ठीक है। जैसे हमने दो लगाया, रिएक्शन बैलेंस करना भी आता है तुम लोगों को, तुम लोग इतने स्मार्ट हो गए हो। अब यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, ओके ठीक। दो क्लोरीन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो लगा देंगे। अब क्या करोगे, सब देखोगे बैलेंस है, लेकिन अभी देख रहे हो ठीक है, बाकी सब चीजें बैलेंस है, दो हाइड्रोजन है ओके, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है ओके, दो क्लोरीन है, बट सोडियम क्या हो गया, दो, तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, दो लगा देंगे। मैंने बोला था ना सब एक एक करके, एक एक मेटल को बैलेंस करो, एक एक एलिमेंट को बैलेंस करो, अपने आप रिएक्शन बैलेंस होगी। मैंने शुरुआत कहाँ से की, मैंने शुरुआत हाइड्रोजन से की, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, क्लोरीन को बैलेंस किया, देन उसके बाद सोडियम अपने आप बैलेंस हो गया, नंबर मैंने लिख दिया आगे, क्लियर। तो अब समझ में आ गए, ये इसने क्या दिया, हाइड्रोजन गैस, अब गैस से निकल रही है तो इसलिए एरो कहाँ दिखाओगे, ऊपर की तरफ, बताओ समझ में आ गया, आ गया बच्चे। चलो एक हम और बताते रहे हैं, उसके बाद तुम लोग बनाओगे खुद से, ठीक। दो तीन रिएक्शन दे देंगे और कमेंट में मुझे रिएक्शन उसको बना के बताओगे क्या प्रोडक्ट बना, ठीक है, चाहे बाय नेम लिख के या फिर उसका रिएक्शन जो भी बनाना है तुम बना के मुझे दिखाओगे। चलो अब इसके बाद बात करते हैं जिंक की। जिंक है, जिंक ने भी क्या किया, HCl से रिएक्शन की। अब थोड़ा स्मार्टली वर्क करना, याद रखना ये रिएक्शन में प्रोडक्ट तभी सही बनेगा जब आपको केटन एनायन जो मैंने तैयार करा था अगर याद हो। क्या होगा, जिंक का पता है होगा, चार जिंक पे प्लस वन नहीं होता, जिंक पे टू प्लस होता है, याद है, और ये टूटेगा एच प्लस और सी एल माइनस में। अब ये क्या है, ये इससे रिएक्ट करेगा निगेटिव वाले से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिंक टू है और ये सी एल वन माइनस है, तो ये कैसे बनाते थे प्रोडक्ट, याद है, जेड एन टू प्लस सी एल वन माइनस, हम इंटू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू वन से, और मैंने सिखाया था कि जिससे मल्टीप्लाई करते उस नंबर को नीचे लिख देते हैं, बताओ वर्क को तो लिखना ही नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, जेड एन सी एल टू, और फिर क्या निकला, एच निकला जो कि एच टू गैस हो जाएगा। बैलेंस कर लो इसको फटाफट, ये देखो अपने आप बैलेंस हो गया, पूरी रिएक्शन बैलेंस है, बताओ बच्चा आ गया, समझ में आ गया, ठीक। अब चलो एक एच टू एसओ फोर का दिखा दे रहे, वरना आधे रोएंगे, कहेंगे मैम आपने तो ये चीज बताई नहीं, आपने H2SO4 का भी बता देना था, तो चलो पहले बता देते हैं फिर उसके बाद तुम लोग को हम दे देते हैं, ठीक है, करना उसको बैठ के, तुरंत करना और घर के लिए मत रखना। चलो जैसे मैंने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम की रिएक्शन मैंने करा दी H2SO4 से, इसी को देख लो पहले कराई। अब ये टूटेगा, आपको पता है H+ और SO4 भी माइनस में टूटेगा, तो ये बन जाएगा NaSO4, बताओ क्या बनेगा, Na SO4। अब आपको पता है ये सल्फेट आयन है, देखो अभी ये सही नहीं बना है, बता ले कैसे बनेगा, रुको मान कर लो, ये SO4 आपको पता है सल्फेट आयन है और ये टूटेगा 2- माइनस पे, H किस पे टूटेगा, दो हाइड्रोजन है तो ये 2H+, मतलब एक हाइड्रोजन H+ पे टूटेगा, दो है तो 2H+, सोडियम 1+ में टूटेगा, बताओ ये बात समझ में आई। अब खुद ही सोचो, ये एक है, ये दो आयन है, तो हमें इधर क्या दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4, इसके साथ ही साथ क्या निकला, दो हाइड्रोजन निकल गई, तो ये हाइड्रोजन इधर है तो इधर मिलेंगे, H2 गैस रिलीज हो गई, बताओ जी रिएक्शन बैलेंस है, अब बैलेंस हो गई है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखना, बैलेंस करना इतना कुछ कठिन नहीं है, तो उसको कर लेना। चलो अब मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, करोगे तुम लोग, है मैग्नीशियम की HCl से रिएक्शन कराना, बैलेंस भी करोगे, प्रोडक्ट बताओगे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है तुम लोग को बताना है, जिंक की रिएक्शन H2SO4 से बहुत आसान है, बनाते रहते हो, ठीक है। इसके अलावा थर्ड है कैल्शियम की रिएक्शन H2SO4 से, ठीक है, और लास्ट हम दे रहे हैं जो कि मैंने अभी नहीं तुम लोग को बताया, लेकिन तुम लोग बना सकते हो, स्मार्ट हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड की अगर रिएक्शन
सोडियम से कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा देन, और अगर अगर हम कैल्शियम से रिएक्शन कराएंगे HNO3 की देन फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये सब के आंसर मुझे चाहिए। जिसने ये बना लिया, इसको बैलेंस कर लिया, आंसर अगर उसका सही आया वो मास्टर हो गया रिएक्शन में। फिर समझ में आ रहा है, इसको मतलब चीजें समझ में आ रही है। मे भी अगर एक दो गलत कर दी तो कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, उसके लिए वो चिंता मत करना। ठीक, लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो स्लो करके उसको बैक करके देख लेना, नोट कर लेना। थक गए हम तो बोलते बोलते, आदत छूट गई है चिल्लाने की, आदत एकदम छूट गई है चिल्लाने की। अब ज्यादा बोल देते हैं तो उतने देर में गला बैठ जाता है। तुम लोग भी पहले तो चिल्लाते थे तब बहुत सही थे, अब गला मेरा बिल्कुल सही था, अब गला बैठ जाता है, थोड़ी देर भी तेज बोल देंगे गला बैठ जाता है। हाँ चलो देख ही लेते हैं, ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, मेटल्स की रिएक्शन देख लो एसिड के साथ, बेस के साथ, धीरे धीरे तो बता देंगे। ठीक है, अब आगे देखो भाई, अब इसमें क्या है, अगर हम बात करें, मैग्नीशियम की और मैग्नीज की, अगर हम किसकी बात करें, मैग्नीशियम की और मैग्नीज की, तो याद रखना ये दो, अरे यार ये दोनों ही क्या है, एसिड से रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सॉल्ट भी बनाएंगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। एमजी पे 2+ होता है, नाइट्रिक एसिड पे ये होता है, तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा, बताओ कोई दिक्कत है। ठीक, उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसमें टूटेगा। H+NO3-1 और Mg के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीज में भी सेम ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि Mg और Mn तो दोनों जो है वो क्या करते हैं, वो हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर हम बात करेंगे जिंक की, जिंक का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया ना मैंने, जिंक का नहीं दिया था, जिंक का नहीं दिया था ना सर, याद रखना। इन केस ऑफ जिंक एंड आयरन याद रखना, दे डू नॉट गिव हाइड्रोजन, बिकॉज इसलिए नहीं देते क्योंकि यहां पर अगर हम HNO3 की बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीकारक होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक। ठीक है, अब क्या है सुनना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन करेगा जिंक से, ठीक है, HNO3 ने रिएक्शन की, ये क्या कर देगा, आपको पता होगा कि ये जो है इसके साथ जिंक के साथ बना देगा Zn, NO3 का होल ट्वाइस बना दिया इसने। लेकिन ये क्या करेगा, ऑक्सीडेंट जानते होंगे क्या करेगा, ऑक्सीजन को ही ऐड कर देता है, यानी कि हाइड्रोजन को सिंगल ही रहने देगा। समझ रहे हो कि नहीं, तो ये क्या करेगा, मतलब कि अपने आप को केयर नहीं छोड़ेगा और क्या करेगा, यहाँ पे बना देगा NO2 N2O और इसके साथ साथ निकल जाएगा वाटर, H2 की जगह पे, हाइड्रोजन गैस की जगह पे यहाँ पे रिलीज क्या होता है, वाटर को रिलीज कर देता है। बात समझ लो, ऑक्सीकारक सीखा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, याद है ना। तो ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को अकेले नहीं छोड़ेगा, इसके साथ क्या कर देगा, ऑक्सीजन लगा देगा। बात समझ रहे हो, ऐसे केस सिमिलरली आयरन के लिए भी होगा। तो ये सब चीजें कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, अगर तैयारी करनी है तो अभी से करनी होगी। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं रिएक्शन विद एसिड, हमने देख लिया, हम देख लेते हैं रिएक्शन विद बेस। ठीक है, वीडियो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लंबी बन रही है यार, थक गए बहुत ज्यादा, पता नहीं आज हिम्मत नहीं हो रही है और पढ़ाने की। रिएक्शन विद बेस, चलो अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विद बेस यानी कि धातु की क्षार से अभिक्रिया। याद रखना सिमिलरली ये भी क्या करता है, वही सेम प्रोडक्ट देता है, यानी कि जब भी कोई भी धातु किसी भी क्षार से यानी कि बेस से रिएक्शन करेगी, ये भी क्या करती है, सॉल्ट देती है, इसके सॉल्ट थोड़े अलग होते हैं, और इसके साथ ही साथ ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी, बिल्कुल सेम केस है। अब क्या है यहाँ पे देखना, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो H+ जो एसिड्स होते हैं वो H+ देते हैं, लेकिन जो हमारे बेस होते हैं वो H- देते हैं, याद है थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम करेंगे एक मेटल ली मैंने, फिर रुको मार्कर चेंज करते हैं, रुक जाओ, मैंने क्या ली एक मेटल ली,
और मेटल की रिएक्शन मैंने किसी भी बेस से करा दी। बेस का मतलब यहाँ पर जो बेस होगा इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन अगर तुम लोग को दिखाएं किस तरह से इसमें दिए हैं, दिए ही नहीं है टॉप। चलो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सीधे बता दे रहे एग्जाम्पल लिया मैंने सोडियम, ठीक है, या सोडियम भी डालो, सोडियम क्यों लेंगे रहे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऑलरेडी बेस है। देखो बेस की अगर बात करें तो यहाँ पे मेनली तुम्हें यही हाइड्रोक्साइड मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर KH मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन करा एल्युमिनियम से, जैसे मैंने रिएक्शन करा एल्युमिनियम की, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, अब ये देगा सोडियम एल्युमिनेट का सॉल्ट, ठीक है। अब क्या देगा, ये देगा NaAlO2। और ये रिएक्शन बच्चे तुम लोगों ने की है, अगर तुम लोगों को मेरा एक एक्सपेरिमेंट याद होगा जिसपे मैंने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था कास्टिक सोडा, और उसके बाद तुमने देखा था पानी में, मतलब कास्टिक सोडा डाला था, उसके बाद मैंने एक बलून लगा दिया था बॉटल में, फिर वो बलून उड़ गया था, तुम लोगों को याद है कुछ कुछ। और उसमें सॉरी उससे पहले मैंने एल्युमिनियम फॉइल डाली थी, एल्युमिनियम फॉइल डाली थी, थोड़ी देर में रिएक्शन होने लगी थी, जैसे मैंने उस बॉटल में बलून लगाया था तो वो पूरा फूल गया था बड़ा सा, फिर उड़ गया था रॉकेट की तरह, याद है। वो इसी का ही रिएक्शन का एग्जांपल है, ये रिएक्शन मैंने बनवाई थी तुम लोग को, याद है, सोडियम एल्युमिनेट देगा, सोडियम एल्युमिनेट देगा, याद है ना, सॉल्ट यही बन रहा था, ब्लैक ब्लैक नीचे बैठ गया था, याद है वो क्या था, सोडियम एल्युमिनेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी उस गुब्बारे में रिलीज हो रही थी, याद है कुछ कुछ। चलो जिसको याद होगा कमेंट बॉक्स में बताना, मैम किसको याद है बताना जल्दी, मैम को भी पता करना है कि किसको किसको याद है, ठीक है। तो जिसने देखा था वो एक्सपेरिमेंट का जरूर बताना, यस मैम मुझे याद है, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, चलो हम जिंक ले लेते हैं इसकी जगह पे, जिंक की रिएक्शन जैसे ही NaOH से होगी, ये अब जिंक है, क्या करेगा सॉल्ट बनाएगा, अब ये बनाएगा सोडियम जिंक एट, वो सोडियम एल्युमिनेट बनता है, अब क्यों, सोडियम एल्युमिनियम, और एट का मतलब तुम लोगों को बताया था जहां ऑक्सीजन ऐड जाती है उसको एट बोलते हैं, तो सोडियम एल्युमिनेट नहीं होगा, बताओ। अब जिंकेट क्या होता है, जिंक के साथ जब एट लग जाए, अब जिंक का मतलब क्या है, अब सोडियम जिंकेट होगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम Na लगाएंगे, जिंक लगाएंगे और क्या लगा देंगे, O2, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट, और यहाँ भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, तो ये क्या बना देगा, Na2ZnO2, और इसके साथ ही साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ये क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्युमिनेट, मेरी बात समझे बच्चे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल तुम लोग करोगे तुम लोग के लिए, अगर ये इसने टिन से रिएक्शन कर लिया, एसिन से, और इसने लेड से रिएक्शन करी, तो ये प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सॉल्ट बनाना, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो इसको बनाना, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकालना, और इसके साथ ही साथ तुम लोग यहाँ पे और तीन चार चीजें कर सकते हो, याद रखना पीबी की जो स्टेट होती है प्लस टू भी होती है और प्लस वन भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग बनाना, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए कल का वेट करना, कल हम लोग बात करेंगे दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शन की, यानी कि व्हेन एन इंसिडेंट बेस रिएक्टिंग विद द कार्बोनेट्स, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बेस के बारे में बात करेंगे कि बेस कार्बोनेट का क्या रिलेशन है, ठीक है। सो ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है। मे भी हो सकता है आपको ये वीडियो सुबह तक मिले, क्योंकि अपलोड तो हम अभी कर देंगे, लेकिन मैंने बताया था ना फोन थोड़ा सा गड़बड़ है, उस पर बैट चार्ज नहीं हो रहा है, तो हम लगा देंगे, सुबह मिल जाएगी, ठीक है। ओके सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, फिकर मत करो, मैं तो हूं ना, ठीक है।